देश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 91 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुंगेर में गंगटा पंचायत के 2000 मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि ग्रामीणों ने बूथ स्थानांतरण और सरकारी योजनाओं के अभाव को लेकर इस बार के चुनाव में वोट न देने का ऐलान किया। ग्रामीणों की माने तो जिला प्रशासन ने बिना किसी सूचना के मागनिया तरी से करीब 4 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय रायटोला में बूथ स्थानांतरित कर दिया है, जिससे मतदाताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला ये है कि हम लोगों का पूर्वजों से मंगनिया स्कूल में वोट दिया जा रहा था जी। और आज राजनीति के चलते जो है सो हेरा फेरी कर करके रायटोला दिया गया जी। इसलिए हम लोगों को मंगनिया बूथ स्कूल में किया जाए, तब हम लोग वोट देंगे। कब से यहाँ पर बूथ था? बूथ 1952 से था जी। जी तो आज क्या हो गया जो कि आज राजनीति के चलते ही कुछ बास्ते पूर्ण दिया गया था, उसके बाद फिर रायटोला दे दिया गया जी। इसलिए हम लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर और आज हम लोगों को मंगनिया बूथ को कायम किया जाए। कितने वोटर होंगे यहाँ पर आपके? हमारे 3,000। और क्या क्या समस्याओं को लेकर अपने वोट का बहिष्कार? लगभग 3600 वोट है। कितना गाँव में? 4-5 गाँव में जी। तो अब यहाँ से बूथ जो है आपका जो जाना होता होगा आप लोगों को, हम लोग कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ पे दिया गया है बूथ? बूथ दिया गया है रायटोला जी। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, यह इलाका नक्सल प्रभावित है और इस इलाके में सरकारी योजनाएं तो आती हैं लेकिन जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। विकास की योजनाएं इन इलाकों में कागजों पर ही पूरी कर दी गई है। ये इलाका पहाड़ी होने के कारण पेयजल की समस्या से भी जूझ रहा है। लोगों को पानी के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते मजबूर होकर बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर गंगटा पंचायत के 5 गांव के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट।